शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा कुलकर्णी ये सुनकर आग बबूला हो उठता है कि साईं ने विवाह को दास प्रथा से मुक्त कर दिया है। विवाह को रास्ते में तीन लोग मिलते हैं जो उससे शिरडी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर शिरडी के लोगों को लूटने का निश्चय करते हैं। लगता है ये अप्पा पाटिल वही है जिसके पास वो पुश्तैनी हीरे जड़ित खंजर है। अब आगे ये लोग कौन है? पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको। शिरडी के लोगों को कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। पाठ? कैसा पाठ? जैसे आप पढ़ाते हैं या गुरुजी? पाठ तो हर कोई पढ़ा सकता है लक्ष्मी, अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी से क्या सीखते हैं। सिद्धियों से सशक्त, जगत का कल्याण करने वाले, कष्ट विनाशिनी, परम पूजनी बुआ जी। आप लोगों का शिरडी में कैसे आना हुआ? ये मेरे इष्ट देवता हैं। 20 वर्ष पहले मेरे सपनों में आके दर्शन दिया इन्होंने। ये मुझसे बात करते हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान बताते हैं। मृत्यु के मुंह से लौटा काशीराम, वो जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, वो मौनी और एक कुष्ठ रोगी भी था। कुष्ठ रोगी तो गांव के बाहर के लोगों को भी पता था, लेकिन काशीराम और मौनी इनके बारे में कैसे पता? मेरे इष्ट देव सब बता रहे हैं मुझे। उन्होंने ये भी कहा कि जाओ शिरडी पर आने वाले भारी संकट से तुम ही उन्हें बचा सकती हो। प्रमाण चाहिए? एक लोटा पानी मिलेगा? ये उस रक्त का प्रतीक है जो जल्द ही शिरडी में बहने वाला है। बिना मांगे हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिरडी चाहेगी तो हम मदद जरूर करेंगे। हमारे इष्ट देव की कृपा से हम ये कर सकते हैं। आज से हम यही डेरा डाल रहे हैं। जो भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है हमारे पास आ सकता है। ये तो बस शुरुआत है। अभी यहाँ के मूर्ख जनता को लूटने से शुरुआत करते हुए अप्पा पाटिल के वो खंजर तक पहुंचना है। भाई साहब, दशहरा आ रहा है, इसे साफ करके तैयार करना होगा। एक बात कहूं भाई साहब, इस खंजर का मूल्य इस रत्नों से कहीं अधिक इस बात से है
कि ये हमारे कुल का इतिहास है। मुझे आज भी वो पल याद है जब मेरे पिताजी ने मुझे ये सौंपा था। कितना गर्व हुआ था मुझे और जिम्मेदारी का एहसास भी कि मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा ना करूं जिससे इस खंजर पर कोई दाग आए। पर भाई साहब, कभी कभी ऐसे लगता है कि इस खंजर के लिए और भी कोई सुरक्षित जगह चाहिए। लेकिन इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ ना। पर समय भी तो पहले जैसा नहीं रहा है ना। लेकिन ईश्वर पर विश्वास तो अब भी वैसा ही है ना। अगर वो चाहेगा तो यहां भी सुरक्षित रहेगा, और अगर नहीं चाहेगा तो कहीं भी असुरक्षित। इसलिए सब उस पर छोड़ दीजिए। माई माई, भिक्षा दे माई। ये जगह डेरा जमाने के लिए सही है और गांव के बीचों बीच भी है। बच्चों, इधर आओ। शिरडी की भलाई करने के लिए हमारे इष्ट देव ने हमें आदेश दिया है कि हम अपना शिविर यहाँ लगाएं। तुम लोग कहीं और जाके खेलो, ठीक है? हम लोग रोज खेलते हैं यहाँ। अगर आपको रहना ही है तो शिरडी में और भी अच्छी अच्छी जगह है रहने के लिए। अरे, बुआ जी की इच्छा में बाधा बनी है। शांति है, कितनी शक्तियाँ इनमें। साई, साई, शिरडी वाले, वही तो ईश्वर का रूप है इस धरती पर। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी फकीर। इसे तो मैं संभाल लूंगी। ये बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें मत डराओ। साई, मुझे मेरे इष्ट देव ने बताया था तुम्हारे बारे में, गरीबों की मदद करने वाला फकीर। मैं गरीब अमीर में फर्क नहीं करता, जिसे मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूं। लेकिन हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे तुमने किया ही क्या है यहाँ शिरडी में रहके? कुछ भी बदलने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ पाते हैं जो वो ईश्वर हमें दे देता है, या जो ये धरती माता हमें दे दे। और अगर शिरडी में पाने के लिए कुछ नहीं होता तो आप तीनों यहाँ क्यों आते? याद रखना, ये शिरडी की धरती है, यहां जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर विनम्रता से मांगोगे तो, अगर अहंकार से मांगोगे तो अहंकार से मांगने पे सिर्फ एक ही चीज मिलती है, विनाश। महाबलशाली रावण के साथ भी यही हुआ था। इतना ज्ञानी, इतना सिद्ध, इतना विद्वान होने के बाद भी
उसका अहंकार उसे ले डूबा। किस्मत वाले हो जो बच्चे साथ में हैं, वरना मेरी शक्तियां मैं अभी दिखा देती। ऐसे तो आप कभी भी अपनी शक्तियां नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि शिरडी में सभी मेरे बच्चे हैं। अभी मौका है, दिखा दीजिए अपनी शक्तियां। शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाना। चलो बच्चों, चलो। बुआ, साई को कैसे पता कि हम शिरडी में चोरी करने आए हैं? वो आदमी जो जंगल में मिला था वो ठीक कह रहा था, साई साधारण नहीं है, चमत्कारी है। चमत्कार? गधे, चमत्कार तो हम करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और तू चमत्कार की बातें कर रहा है? इंसान अपनी जरूरत की वजह से इन चमत्कारों पे विश्वास करता है, और ये साई इसी का फायदा उठा रहा है। याद है उस आदमी ने क्या कहा था? साई श्रद्धा वद्दा की बात करते रहता है, श्रद्धा से दाल नहीं गलती। यहाँ के लोग हमारे बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे ना, तो उस साई को भी भूल जाएंगे और उसकी श्रद्धा को भी। ये उस रक्त का प्रतीक है जो शिरडी में बहने वाला है। ये उस कठिन समय का प्रतीक है जिसे शिरडी जल्द ही देखेगी। बिना मांगे हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिरडी चाहे तो हम ये कर सकते हैं। हमारे इष्ट देव की कृपा से हम ये कर सकते हैं। फुंद्रू, दुनिया सिर्फ डर समझती है। जितना डरा के रखोगे उतना दुनिया मानेगी। बाकी ये पूजा, चमत्कार, श्रद्धा सब बकवास है। साई, एक बात पूछू, क्या वो सच में इतनी शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली क्या है जानती हो? सबसे शक्तिशाली है श्रद्धा। श्रद्धा जो प्रेम का ही एक रूप है, और प्रेम कभी डराता नहीं, कभी भयभीत नहीं करता। जो ईश्वर के नाम पर डराए, लोगों को भयभीत करे, वो कभी ईश्वर के लोग नहीं हो सकते, और ना ही उनकी बातों में कभी ईश्वर का संदेश हो सकता है। क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ प्रेम जानता है, सिर्फ प्रेम। अनर्थ हो गया सरकार, पीतल का सारा सामान, पूजा के सभी दिए जिससे हम बजरंगबली की आरती करते थे वो चुरा लिया। अरे ओ, ऐसे कैसे हो सकता है, और वो भी भरी दोपहर में? किसने किया होगा ये दुष्कर्म? पिछली बार चोर के हाथ जलाए थे, इस बार चोर को ही आग लगा दूंगा मैं। बहुत हो गया अधर्मियों का वास शिरडी में, लेकिन किसी ने देखा नहीं, ये कैसे हो सकता है? पंता, ये
यदि मुझे ज्ञात हुआ कि तुम में से कोई उस चोर से मिला हुआ है या तुम में से सच जानते हुए भी छुपा रहा है तो उसका भी वही दंड होगा जो चोर का। शिरडी का कोई भी निवासी यह चोरी नहीं कर सकता है। तुम लोग भले ना करो लेकिन बाहरी लोगों का क्या, जिन्हें तुम लोगों ने अपने शीश पे बिठा के शिरडी में स्थान दिया हुआ है, जब से आया है वो तब से वातावरण दूषित हो गया है शिरडी का। सरकार, कहीं आपका संकेत उस साई की तरफ तो नहीं? बिल्कुल उसी की तरफ है मेरा इशारा। जब से आया है शिरडी में एक भी नियम का पालन नहीं किया उसने। चोरी करनी ही थी तो साई के पास कई मौके थे लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया सरकार। हरिओम। कहने का तात्पर्य क्या है, बाहर से लोग आए थे और वो चोरी करके चले गए। सरकार, आज सुबह सुबह की बात है, तीन लोग आए हैं शिरडी में, एक औरत, एक आदमी और एक लड़का। कौन हो तुम लोग और कुलकर्णी सरकार के अनुमति के बिना यहाँ डेरा कैसे डाल लिया? शिरडी ढोंगियों का आश्रय स्थान नहीं है, बाहर आ जाओ। कुलकर्णी सरकार, हर गांव को आपके जैसा मुखिया मिले। सरकार की बात का जवाब दो, यहाँ क्यों आए आप लोग? पूरे गांव को विनाश से बचाने के लिए। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारी यहाँ जरूरत है? हमारे इष्ट देवता ने। कुलकर्णी सरकार के होते हुए शिरडी को बचाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। हरिओम। मैं जानती हूँ आप संपूर्ण हो, मैं ये भी जानती हूँ कि आप समर्थ हैं, लेकिन ईश्वर का अनन्य भक्त, एक सच्चा ब्राह्मण, वो कौन सी चिंता है जिसने आपको लंबे समय से परेशान किया हुआ है? देवता रुष्ट हैं आपसे, उनका प्रकोप और बढ़ना है। चापलूसी से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, अंदर जाके ढूंढो। रुक जाओ, मैं बता सकती हूं जो आप ढूंढ रहे हैं वो कहां। कहाँ है? ये सिंदूर की रेखा देख रहे हैं आप? इसी दिशा में सीधा चले जाइए, जहां रास्ता खत्म होगा वहां एक पेड़ दिखेगा, उसी पेड़ के नीचे वो मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। जाओ देख क्या ये सत्य कह रही है या नहीं, और यदि सत्य ना हुआ
तो चोरी के लिए तुम तीनों को दोषी समझा जाएगा और इसका दंड बहुत बुरा होगा। प्रियोम, क्या सोच रहे हो? ईश्वर ने संकट इसलिए बनाया है ताकि उनका सामना कर करके हम और मजबूत हो सके, हमारी आस्था बढ़े, हमारे पापों का पश्चाताप हो, हम और अधिक मजबूत बन सके, संसार के लिए हमारी संवेदना बढ़े, हम और बेहतर इंसान बन सके। लेकिन लोग संकटों का सामना करना ही नहीं चाहते और इन संकटों से बचने के लिए वो किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें इन संकटों से बचा लेने का आश्वासन दे दे। यही फर्क है आस्था और अंधविश्वास में। आस्था हमें खुद पर विश्वास रखना सिखाती है, अपने जीवन की घटनाओं पर विश्वास करना सिखाती है, हमें दिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं कुछ भला छुपा है। लेकिन अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। रानू जी का परिवार आया था हमसे मदद मांगने के लिए। सच सच बता, वो सोना कहाँ छुपाया तूने? जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकता है। द्वारका माई में सबका स्वागत है।